हे गूगल, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बहुत बढ़िया, और आपसे बात करके तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। और आज इस वीडियो में हम एक डिटेल रिव्यू करेंगे माइक्रोमैक्स के इन वन स्मार्टफोन का। ये डिवाइस पिछले एक वीक से मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूं, काफी सारी चीजें मैंने नोटिस करी है। और इस वीडियो में मैं इस स्मार्टफोन के 100% ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। 10,000 रुपए के प्राइस बजट पर आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चीज का काफी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस डिवाइस के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ में। तो ये डिवाइस एक इंटरेस्टिंग से एक्स फैक्टर वाले ड्यूअल टोन डिजाइन के साथ में आता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। होने को ये एक पॉलीकार्बोनेट का बैक है, बट एक चीज काफी अच्छी है कि यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि डे टू डे यूजर्स में इसका जो रेयर पैनल है वहां पर आपको फिंगरप्रिंट मार्क्स और स्क्रेचेस इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी पसंद आया और रेयर पैनल को लेकर मुझे अभी तक कोई भी इश्यूज डिवाइस के साथ में देखने को नहीं मिला। बट जैसा कि एक प्लास्टिक बैक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर एक मोबाइल केस यूज करें जो आपको इन द बॉक्स ही देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट की बात करें तो गाइस, फ्रेंकली स्पीकिंग, इस डिवाइस का डिस्प्ले मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। 6.67 इंच का एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल है होल पंच कटआउट के साथ में, और जनरली बहुत ही कम फोन ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर यह फीचर देखने को मिलता है। यह डिस्प्ले 91.4% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के ऊपर आता है, जहां बेजल्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 450 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी सपोर्ट करता है, वाइड वन L1 का भी सपोर्ट आपको यहां पर दिया गया है। तो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के ऊपर आप फुल एचडी कंटेंट बड़े ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि जो डिवाइस का डिस्प्ले है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि देखो फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, स्क्रीन साइज भी काफी लार्ज है और आपको पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप वीडियोस मूवीज ज्यादा देखते हैं तो आपको डिस्प्ले के साथ में नो डाउट काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा डिस्प्ले भी काफी ब्राइट है, इंडोर और आउटडोर कंडीशन में यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा डिस्प्ले का जो टच रेस्पॉन्स है वो बहुत ही कमाल का है, आपको इस डिवाइस के टच के साथ में एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बाकी इस डिवाइस के डिस्प्ले को लेकर मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस करी कि यहाँ पर आपको मल्टी टच वाला प्रॉब्लम स्टिल देखने को मिलता है, जो आपको इन नोट 1 के साथ में भी देखने को मिला था। तो गेमिंग करते टाइम कुछ लोगों को इससे इशू हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आप इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाकर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट फीचर को ऑफ कर देते हैं तो मल्टी टच वाला जो इशू है वो आपको नहीं होगा। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि माइक्रोमैक्स इसे ओटी अपडेट के थ्रू जल्दी से जल्दी फिक्स कर दे। बाकी डिस्प्ले में प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको रेनबो प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के बराबर है, तो ये चीज भी काफी अच्छी है। सो ओवरऑल लुक्स के साथ साथ एक और चीज मुझे काफी पसंद आई कि जो डिवाइस है 200 ग्राम वेट और 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आने के बावजूद भी मुझे काफी लाइट वेट लगा और पकड़ने में काफी हैंडी है। तो नो डाउट वेट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर माइक्रोमैक्स ने यहां पर काफी अच्छे से काम किया है। अब जब बैटरी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये डिवाइस 5000mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहां पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो बैटरी बैकअप आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा और हेवी यूजर्स में भी आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और बॉक्स के अंदर ही आपको 18W का फास्ट चार्जर भी दिया गया है, जिससे अगर आप इस डिवाइस को चार्ज करते हैं तो 0 से 100% होने में लगभग 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम लग जाता है। और गाइस, जब मैं इस डिवाइस को चार्ज कर रहा था तो रेयर पैनल में मुझे माइनर सा हीटिंग इशू देखने को मिला, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट जैसा कि माइक्रोमैक्स के साथ में फीडबैक शेयर हो चुका है, आई होप माइक्रोमैक्स इसे बहुत ही जल्दी फिक्स कर दे। बाकी चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी यहां पर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब गाइस, बात आती है परफॉर्मेंस को लेकर, तो ये डिवाइस हीलियो G80 के चिपसेट के साथ में आता है, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, 12nm बेस है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है। और डे टू डे यूजर्स में डिवाइस के परफॉर्मेंस के साथ में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। पबजी में आपको HD पर हाई सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इवन S4 9 जैसे हाई ग्राफिक्स गेम भी आप बड़ी स्मूथली रन कर पाओगे। तो मैंने काफी टाइम तक इस डिवाइस के अंदर गेम प्ले किया और मुझे किसी भी तरह का कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। स्पेशली जो ओवरहीटिंग जैसा इशू है MediaTek के चिपसेट के साथ में, ऐसा कुछ मुझे यहां पर देखने को नहीं मिला। सिक्योरिटी के लिए आपको पीछे की तरफ फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी अच्छे से काम कर रहा है और डिवाइस काफी क्विकली अनलॉक हो जाता है। और अगर बात करें फेस अनलॉक की, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि एनिमेशन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा डिले है, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। साउंड आउटपुट के लिए आपको यहां पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, बट सिंगल स्पीकर होने के बावजूद जो साउंड आउटपुट है वो काफी ज्यादा लाउड और क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए आप जरा ये सुनो। I don't wanna miss a beat.
अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो इस डिवाइस के साथ में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां से आप डुअल सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं और आप स्टोरेज को मेमोरी कार्ड के थ्रू 512 GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब एक चीज जो इस डिवाइस के साथ में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो है इस डिवाइस का स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। एक क्लीन और स्नैपी यूआई आपको यहां पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, कोई भी एड्स और ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलते हैं और इसी क्लीन यूआई की वजह से इस डिवाइस का जो रैम मैनेजमेंट है वो भी काफी अच्छा हो जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 10 के साथ में आता है और बहुत ही जल्दी आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी मिल जाएगा। और जैसा कि माइक्रोमैक्स ने ये प्रॉमिस किया है कि 2 साल के जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो भी आपको इस डिवाइस के साथ में देखने को मिलेंगे, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नो डाउट इस डिवाइस के साथ में आपका काफी अच्छा रहने वाला है। गाइस जैसा कि एक स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस है तो यहां पर आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंस का बटन भी देखने को मिलता है जो आपकी डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल हो सकता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसे चेकआउट करते हैं। हे गूगल, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बहुत बढ़िया, और आपसे बात करके तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो कॉलिंग के टाइम आपको काफी अच्छे इनपुट और आउटपुट इस डिवाइस के साथ में देखने को मिल जाते हैं। सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक का फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये डिवाइस डुअल वोल्टी वाईफाई कॉलिंग और करियर एग्रीगेशन जैसे फीचर को भी सपोर्ट करता है। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको इस डिवाइस के साथ में देखने को नहीं मिलता है, और अगर दे भी देते तो गूगल डायलर के साथ में आता है जिसे सामने वाले को वैसे ही पता चल जाता कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। सो अब फाइनली बात करते हैं डिवाइस के कैमरास को लेकर। तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, साथ में 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को नहीं मिलता है। अब रेयर कैमरा में जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मैं यहां पर कुछ सैंपल शॉट आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, जिससे आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आपको इसके प्राइमरी सेंसर के साथ में देखने को मिलते हैं। डे लाइट कंडीशन में प्राइमरी सेंसर के साथ आप काफी कमाल के फोटोज निकाल सकते हैं। फोटोज में कलर हाई कैची है जो आपको काफी पसंद आएंगे, इवन लो लाइट में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देगा। इसके अलावा 2-2 मेगापिक्सल के जो बाकी सेंसर वो एक्चुअल में कुछ खास परफॉर्म नहीं करते, रिजल्ट्स एवरेज से हैं। वैसे भी कोई इन 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर्स को यूज नहीं करता है। अगर आपको अच्छे मैक्रो शॉट लेने तो आप इसके प्राइमरी सेंसर के साथ में भी ले सकते हैं। बाकी रेयर कैमरा से आप 1080p 30fps तक के वीडियो निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो आई एम श्योर आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। मोस्ट ऑफ दी फोटोज़ में आपको डिटेलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, इमेजेस काफ़ी शार्प हैं और कलर्स भी थोड़े से बूस्ट करके दिखाता है, जो आजकल लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ अपलोड करते हैं। तो आपको डेफिनेटली इसका फ्रंट कैमरा भी काफ़ी पसंद आएगा, लेकिन वही चीज़ है, डे लाइट कंडीशन में कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, बट लो लाइट में शायद से आपको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। फ्रंट कैमरा में डायनेमिक रेंज का इशू है और जो पोर्ट्रेट मोड है उसके ऊपर तो माइक्रोमैक्स को थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि फ्रंट कैमरा में काफी बार आपको एज डिटेक्शन को लेकर इशू देखने को मिल सकता है। तो ये चीज कैमरा अपडेट के थ्रू फिक्स की जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज, अगर प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो नो डाउट कैमरा काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब गाइस बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, आपको ये डिवाइस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ओवरऑल जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 10,000 रुपए के प्राइस बजट में आप माइक्रोमैक्स इन1 को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ये डिवाइस कुछ ऐसे फीचर भी ऑफर करता है जो आपको बाकी कंपटीशन में देखने को नहीं मिलते, लाइक लार्जर डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन और सेंट्रल पंच होल कटआउट के साथ में बहुत ही कम स्मार्टफोन में अभी के टाइम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा काफी पावरफुल परफॉर्मेंस, पावरफुल बैटरी और काफी डिसेंट कैमराज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज की ये डिवाइस स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ में आता है, तो किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलते, एक क्लीन और सीमलेस यूआई आपको यहां पर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक नॉन चाइनीज ब्रांड है और मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। तो इतनी चीजें काफी है इस स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। फिलहाल के लिए माइक्रोमैक्स इन1 को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको डिटेल वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।